हेलो गाइस, तो जो आप लोगों ने इतने सारे कमेंट किए मेरे पास कि भाई आप ये बताओ क्या हम 10th और 12th के बाद लखनऊ में कोई काम कर सकते हैं अभी के टाइम पे, या फिर नहीं कर सकते हैं, जॉब होते भी हैं या नहीं होते। मैं आपको बताऊँ तो कई सारे जॉब हैं जो कि ये 10th और 12th के बाद आप लखनऊ में कर सकते हो। कुछ लोगों को यही पता नहीं होता कि अप्लाई कैसे करना है, तो ये भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। सैलरी कितनी मिलती है उस पर सारी चीज़ शेयर कर दे। देखो, नंबर वन पे बेसिकली जॉब आता है ड्राइविंग का काम, काफ़ी अच्छा जॉब है लखनऊ में, वो आप कर सकते हो। मिनिमम 10th और 12th के बाद इसकी हायर क्वालिफिकेशन 10th और 12th पास है, आराम से कर सकते हो। देखो, सेकंड जो बेसिकली जॉब आता है किसी भी होटल रेस्टोरेंट में आपको एज अ वेटर का काम मिल जाता है, किचन हेल्पर का काम मिल जाता है, क्लीनिंग का काम मिल जाता है, कुक हेल्पर का काम मिल जाता है, सारे काम आपको मिल जाते हैं। अगर हम कंप्यूटर की फील्ड की बात करें तो बेसिकली आप एज अ डाटा एंट्री का काम कर सकते हो, टाइपिंग का काम कर सकते हो, बेसिकली टाइपिंग वर्क होता है, कॉन्टेंट राइटर का काम कर सकते हो, कॉल सेंटर में काम कर सकते हो, होटल रेस्टोरेंट में आपको सिक्योरिटी गार्ड का जो काम होता है ये भी मिल जाता है मिनिमम 10th और 12th के बाद। देखो, अप्लाई करने का तरीका तो मेरे को एक बेस्ट लगता है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एक वेबसाइट है indeed.com करके और लिंक्डइन करके, ठीक है? ये दोनों वेबसाइट मेरे को काफ़ी बेस्ट लगते हैं। कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बता रहा हूँ, मन से बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छे वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सारे करेंट जॉब्स जो है वो मिल जाते हैं और जो भी 10th और 12th पास जॉब से मिल जाते हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, चार नंबर, डिटेल, लोकेशन, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो इस पर सैलरी की बात करूँ, ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है, 12 से लेकर 16 हज़ार के बीच में सैलरी मिलती है इसकी। इसमें वर्किंग आवर के ऊपर भी डिपेंड करता है, कई सारे जॉब पार्ट टाइम में भी होते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो भी, ठीक है? तो बस ये सारे जॉब थे कुछ खास। आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग का एबव 18 ईयर ओल्ड होने चाहिए, आपके आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, क्वालिफिकेशन कॉपी हो गई, बस ये सारी चीज़ लगती हैं। तो अभी जब लोग डाउट कमेंट करो, छोटी सी वीडियो थी बट मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जो बड़ी बड़ी वीडियोज़ में भी नहीं होंगी।